मैं हूं जमील अहमद खान, आप देख रहे हैं कपिंग थेरेपी। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा लो ब्लड शुगर का पॉइंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टोटल जो है 8 पॉइंट पे जो है आपको हिजामा करना है। बैक साइड में ये देख सकते हैं 2 पॉइंट है और दाहिने हाथ पे ये टोटल जो है ये 2 पॉइंट है और बाएं हाथ पर 2 पॉइंट है और राइट साइड पैर पर पैर में 2 पॉइंट है। आप देख सकते हैं पंजे के ऊपर 1 पॉइंट है और घुटने के नीचे 1 पॉइंट है। टोटल 8 पॉइंट पर आपको हिजामा करना है। कट लगाने से पहले जाइलोकेन 5% क्रीम मल दें और फौरन कप लगा दें। इस तरह करने से जेल सुन हो जाएगी और बच्चे बड़े को तकलीफ कम होगी। हिजामा लगाने के लिए ज़रूरी है दास्ताने, रेजर ब्लेड और हिजामा कप। कट लगाने वाली जेल को अच्छी तरह साफ कर लें, बाल हो तो सेफ्टी रेजर से साफ कर दें वरना कप नहीं पेस्ट होगा। कप, दस्ताने, रेजर ब्लेड मरीज को एक बार इस्तेमाल करें और इसे कूड़े में डाल दें। किसी और मरीज को इस्तेमाल न करें। किसी और मरीज को इस्तेमाल करने से हिपाटाइटिस बी और सी और एचआईवी एड्स लगने का खतरा है। हिजामा खाली पेट सुबह में लगवाएं। खाने के 4 घंटे बाद भी हिजामा लगवा सकते हैं। हिजामा कप को जिल्द पर पंप करने के बाद 5 मिनट तक चिपका रहने दें। ऐसा करने से जिस्म का खून जिल की सतह पर आकर जमा हो जाएगा और फिर उंगली की मदद से इसे अलग कर दें। जिल के उभरे हुए हिस्से पर थोड़े थोड़े फासले पर रेजर ब्लेड से हल्का हल्का कट लगा दें, लेकिन यह कट नसों और रगों के करीब न लगाएं। किसी नए मरीज को हिजामा लगाने से पहले उसे जहनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए। आम तौर पर हिजामा उन मकामात पर किया जाता है जहां बीमारी है। कमज़ोर और बहुत ज़्यादा दुबले लोगों को हिजामा न लगाएं। उल्टी कह होने पर हिजामा न लगवाएं। नहाने के फौरन बाद हिजामा न लगवाएं। हिजामा लगवाने के बाद नहा लें और 1 घंटे तक कुछ न खाएं। गैर औरतों को मर्द हिजामा न लगाएं। गैर मर्दों को औरत हिजामा न लगाएं। औरतों को हिजामा औरत से ही लगवाएं या अपने महरम मर्दों में से किसी से लगवाएं। कोई मरीज हिजामा लगाने से बेहोश हो जाए तो उसके जिल से कप हटा लें और उसे मीठा शरबत पिलाएं या मीठी चीज़ें खिलाएं। हिजामा 3 महीने के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक को किया जाता है, बशर्ते सेहत अच्छी होनी चाहिए। हिजामा से जादू टोने का इलाज भी किया जाता है। अगर एक दफ़ा हिजामे से मरीज ठीक नहीं होता तो 3 से 7 दफ़ा हिजामा करना चाहिए और हर 2 हिजामे के दरमियान 15 दिन या 1 महीने का फ़र्क होना ज़रूरी है। हिजामा, हिजामे से 100 बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हिजामा लगवाना इंसानों के लिए एक अजीब नेमत है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। मर्द हो या औरत को हिजामा का तरीका सीखकर इसके जरिए अपने घरों में इलाज करना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया है बीमारी का पॉइंट, मरीज को हिजामा का कप कैसे लगाना है।